Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to solve the first illustration of the chapter. Here is the journal entries. In this illustration, we are going to solve some journal entries. Here the question, the balance sheet of Sujata and Purnima, who started profits equally, was as a follow. यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो बेस है जनरल इंट्रीज के ऊपर. ओके, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसे हमें अच्छी तरीके से रीड करना है. पहले यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है सुजाता और पूर्णिमा का. यहाँ पे सुजाता का जो कैपिटल है 1 लाख है, पूर्णिमा का है 140,000 है. ओके, देन यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है 34,000 का, बिल पेबल दिया हुआ है 26,000 का. ओके, एसेट साइड में यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है यहाँ पे 70,000, फर्नीचर दिया हुआ है यहाँ पर 24,000, सैनिटेटर दिया हुआ है यहाँ पे 26,000, स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पर 40,000 का, और यहाँ पे कैश दिया हुआ है यहाँ पे 80,000 का. ओके, और यहाँ पे उनका टोटल दिया है 3 लाख रुपीज. ओके, इसके बाद नीचे कुछ बोला हुआ है, देखिए यहाँ पे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. यहाँ पे बोला गया है कि ऑन द 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. देखिए यहाँ पे दो पार्टनर सुजाता और पूर्णिमा है. ओके, और इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करना है यहाँ पे, अपना जो थर्ड पार्टनर के हिसाब से यहाँ पे एडमिट करना है, और उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट रहने वाला है, यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट है उनका 1/5 रहने वाला है. ओके, यहाँ पे 1/5 उनका फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है, और उन्हें एडमिट करना है नीचे दी गई टर्म्स एंड कंडीशंस है. यार पहली जो कंडीशन यहाँ पे बोली गई कि गुडविल जो वैल्यूड है, गुडविल इज वैल्यूड 2 लाख, अपर्णा इज ब्रिंग हर शेयर ऑफ अ गुडविल इन अ कैश. ओके, उसको गुडविल लाना है कैश में 2 लाख का. उसके बाद दूसरी जो चीज बोली है, अपर्णा इज ब्रिंग इन रुपीज 1 लाख एज अ कैपिटल, कैपिटल लाना है उससे उसे 1 लाख का. उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 10% इज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर के ऊपर 10% उन्हें प्रोविजन बनानी है. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग्स इज टू बी वैल्यूड 80,000 रुपीज. ओके, देन स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज बी रिड्यूस बाय 20%. ओके, और बोला ही यहाँ पे कि ड्राफ्ट द जनरल इंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबो एग्रीमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस सीट ऑफ न्यू. ओके, यहाँ पे हमें बोला है कि जनरल इंट्रीज करना है. ओके, एग्रीमेंट के हिसाब से जनरल इंट्रीज करना है, और जो ओपनिंग बैलेंस है उसका नया बैलेंस शीट यहाँ पे हमें बनाना है. ओके ओके गाइस, ये पढ़ने के बाद, सारा प्रॉब्लम हमें पढ़ने के बाद, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप यहाँ पे दी हुई है, उस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर को सॉल्व करना होता है. जैसे कि मैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको समझाया था. जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उन्होंने वो वीडियो देखना है जिसमें मैंने ये जो यहाँ पे स्टेप दी हुई है, ये यहाँ पे मैंने टिप्स जो स्टेप दिए हुए हैं, ये स्टेप को फॉलो करना है. जैसे कि पहली स्टेप यहाँ पे मार्किंग का हुआ, उसके बाद नेसेसरी अकाउंट ओपनिंग होते हैं, उसके बाद उसके इफेक्ट देना होता है एसेट के, उसके बाद बैलेंस लाइबिलिटी का इफेक्ट देना होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट बची उनका इफेक्ट देना होता है, उसके बाद बैलेंस शीट बैलेंस करना होता है रिवेल्यूशन अकाउंट्स को, और उसका जो प्रॉफिट वगैरह उसको ट्रांसफर करना होता है पार्टनर के कैपिटल में, देन उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस उसको रिकॉर्ड करने होते हैं, और फाइनली हमें टैली करना होता है. ये सारी स्टेप दी हुई है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम में हमें जनरल इंट्रीज करना है. एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे है. ओके, तो उस हिसाब से हमें ये जो सारी जो स्टेप है, एक अपने आप लोगों ने लिख लेनी है या उसे लर्न कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का, उन्होंने वो वीडियो जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, और अभी हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि जनरल एंट्रीज करने को बोली गई हुई है। ओके, सो यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज का जो है प्रोफार्मा यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। ओके, और हमें यहाँ पे उसकी जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज बनानी है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है और नया बैलेंस शीट बनाना है। ओके, यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज का एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा, ये तीन पार्टनर है। पार्टनर्स के बुक्स में हमें उनको मेंटेन करना है। और जनरल बनाया हुआ है हमने, डेट हुआ पर्टिकुलर है, या फिर लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ये हमने प्रोफार्मा बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री जो हम जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, वो जो पहली जो एंट्री है, जो अपर्णा ने जो शेयर उनका गुडविल का लाया है या कैपिटल लाया है, ये चीज़ों को हमें पहले रिकॉर्ड करने की, मतलब जो भी आया होगा कैश के फॉर्म में आया हुआ है, मतलब गुडविल भी और कैपिटल भी दोनों कैश के फॉर्म में आए, तो कैश को हमें डेबिट कर देना है। कितना कैश को डेबिट करना है? 140 कैसे क्या कि अपर्णा ने जो कैपिटल लाया था 1 लाख का कैपिटल लाया था और गुडविल की जो अमाउंट लाई थी वो थी 40,000 की, तो 140 हमें कैश को डेबिट कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नरेशन में हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है कि बेइंग कैश ब्रॉट इन बाय अपर्णा एज अ शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ओके, यहाँ पे सेकेंड एंट्री को हमें पास करना है जो गुडविल उन्होंने लाया था, तो गुडविल को हमें क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे गुडविल कितना लाया था, गुडविल यहाँ पे 40,000 का लाया था और यहाँ पे जो सैक्रिफाइस रेशियो बोला हुआ है उनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो इक्वली दिया है, तो दैट मीन सैक्रिफाइस रेशियो भी उनका इक्वली आने वाला है। ओके, तो जो 40,000 का इक्वल करते दो पार्ट में तो 20,000 आ जाता है, तो हमें गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया और सुजाता कैपिटल और पूर्णिमा कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 20,000 से। ओके, और यहाँ पे सिंपली नरेशन में लिख दिया है कि बेइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, यहाँ पे हमारी सेकेंड एंट्री भी पास हो गई है। ओके, जो हमारी यहाँ पे जो थर्ड एंट्री यहाँ पे पास की हुई है, ये थर्ड एंट्री को हमने समझने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना पड़ेगा। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के बाद हम इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो कैसे एंट्री को पास किया है, यहाँ पे देखिए कि ये एंट्री कहाँ से आई और ये अमाउंट, ये जो अमाउंट आरडीडी की स्टॉक की, ये जो जिससे जो एडजस्टमेंट थी वहाँ पे हमें मार्क करके इसका इफेक्ट देके रिवैल्यूएशन को क्लोज करके जो अमाउंट थी वो यहाँ पे ट्रांसफर की गई है। जैसे कि मैंने बोला कि रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट है यहाँ पे कितना है, 24,600 दिखाया गया है, उसमें आरडीडी यहाँ पे दिखाई गई है 2,600 की है। स्टॉक का जो है ये जो अमाउंट आया है 8,000 का, और प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट आया है ये जो अमाउंट है 40,000 का। ओके, यहाँ पे डेबिट किया है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है यहाँ पे 24,600 का, और जो क्रेडिट किया हुआ आरडीडी स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, बेइंग डिक्रीज इन द वैल्यू डेटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, या जो वैल्यू डिक्रीज हुई है यहाँ पे रिवैल्यूएशन को डेबिट किया हुआ है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगी, इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ से हमें ये वाली अमाउंट मिलेगी। तो वो कैसे आई उन्हें उसको भी हमें देखना है। और यहाँ पे एक चीज़ हो, लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको हमने डेबिट किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वैल्यू डेटर्स एंड सेंट्री बिल्डिंग, जो बोला है यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ डेटर्स एंड बिल्डिंग्स रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये चीज़ें देखने के लिए पहले तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका पूरा दिया होगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट एंट्री बोली है सुजाता अकाउंट्स को यहाँ पे और अपना अकाउंट, ये दोनों को डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। क्यों? क्योंकि ये कोई लॉस आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो ये जो तीनों एंट्री है ये हमें कहाँ से मिलेंगी, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से मिलेंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना होगा और बनाने के बाद ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करने के बाद हमें वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे नया बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ओके, नया बैलेंस शीट बनाया हुआ है, जैसे कि जो रिकॉर्ड कर दिया, जैसे कि डेटर्स है ओल्ड बैलेंस शीट में के यहाँ पे लिख दिया 34,000 के बिल पेबल था, वो भी यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो कैपिटल था, यहाँ पे जो कैपिटल, इसका बैलेंसिंग हमें बाद में करना है। ओके, वो देखते हो कैसे आएगा। उसके बाद यहाँ पे कैश इन हैंड, यहाँ पे जो कैश इन हैंड है कैसे क्या आई, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उससे पहले हमें जो इफेक्ट देने हैं, दो इफेक्ट, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स जो था, सन्ड्री डेटर के ऊपर वहाँ पे 10% बनाना था हमें प्रोविजन। ओके, 26,000 का 10% होता है हमारा 2006
हंड्रेड होता है, 2600 ये हमारा प्रोविजन हुआ। ओके, तो यहाँ पर जो हमने लेस किया दैट्स मीन हमारा डेटर्स कम हुआ, मतलब ये क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमें रिवेल्यूशन अकाउंट को इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट डेटर डालना होगा। ओके, और उसको लेस करने के बाद 23,400 हमारा बैलेंस बचता है। ओके, वैसे स्टॉक का जो हमारा स्टॉक यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ है, स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ। कितना स्टॉक था हमारा, 40,000 का स्टॉक था, यहाँ पे 8,000 डिक्रीज हुआ है। और हमारा बचा हुआ स्टॉक कितना बचा हुआ है, अभी 32,000 बचा हुआ है, ये भी हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वैल्यू का मतलब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होना मतलब हमारा लॉस होता है, इसको भी हमें रिवैल्यूएशन में हमें डेबिट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फर्नीचर्स, यहाँ पर जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, ओके फर्नीचर्स को कुछ नहीं था, फर्नीचर सिंपली हमें बाहर लिख देना है। ओके, यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग जो बोला है, लैंड और बिल्डिंग हमारा 60,000 का था, उसमें हमने जो एप्रिसिएशन हुआ है बड़ा है, कितना बड़ा है, 20,000 से हमारा लैंड एंड बिल्डिंग बड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी हमारा था, तो ये जो इसका जो सेकेंड इफेक्ट जाएगा 20,000 का रिवैल्यूएशन, वो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना होगा। ओके, इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो था उसमें हमारा डिप्रिसिएशन लगा हुआ है, यहाँ पर हमें डिप्रिसिएशन लेस किया है। तो डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डिप्रिसिएशन जो उन्होंने बोला कि 20% का जो डिप्रिसिएशन लेस किया हुआ है, 70,000 में से हमारा 14,000 लेस करने के बाद हमारा 56,000 बचता है। ओके, तो ये जो हमारा 14,000 का ही हमारा लॉस हुआ है, तो हमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो जो चीज़ें डेबिट करनी है, कौन सी चीज़ें डेबिट करनी है, यहाँ पर 2,600 को डेबिट करनी है, उसके बाद 8,000 को डेबिट करनी है, उसके बाद ये डिप्रिसिएशन 40,000 को डेबिट करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, तो देख लेते हैं हमें ये जो चीज़ें, और एक ये जो चीज़ थी इसको हमें क्रेडिट करनी है 20,000 की। ओके, यहाँ पे हमें सिंपली डिप्रिसिएशन जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें हमें पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे वर्किंग नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में उन्होंने बोला कि कैश इन हैंड ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड बोला है, कितना कैश इन हैंड दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ था। और यहाँ पे नई जो प्लस हुआ है, इसमें प्लस क्या हुआ है, 1,40,000 यहाँ पे ऐड हुआ है, मतलब कुल मिला के हमारा जो कैश बना हुआ है 2,20,000 बना है। यहाँ पे 1,40,000 कैसे आया, यहाँ पर 1,00,000 उन्होंने लाया था कैपिटल में, और 40,000 का जो था वो गुडविल था, तो दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के 140 होता है, और उसमें 80 प्लस कर दिया तो 2,20,000 बन जाता है। ओके, ये हमारा कैश का अमाउंट हो गया। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने बोला था कि रिवैल्यूएशन में देखो आरडीडी को यहाँ पे डाला हुआ है, ये आरडीडी, ये स्टॉक का 8,000 और ये प्लांट एंड मशीनरी का ये 14,000 यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। यहाँ पे जो अमाउंट जो थी लैंड एंड बिल्डिंग की जो थी वो जो थी 20,000 यहाँ पे हमें क्रेडिट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर इन्हें लॉस आया है, लॉस यहाँ पे कितना आया था, 4,600 का यहाँ पे लॉस आया था, तो इक्वली उन्होंने डिवाइड कर दिया था। और ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पर वो लॉस डिवाइड करने के बाद एक के हिसाब से कितना आया था, 2,300 ये लॉस उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारी चीजों का हमने जनरल एंट्रीज कर दी थी, जैसे कि आरडीडी का एंट्री हुआ, स्टॉक का एंट्री हुआ, और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का जो था 20,000 का, यहाँ पर उन्होंने एंट्री कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो लॉस था, ये लॉस की भी एंट्री यहाँ पर कर दी थी, मतलब ये तीनों एंट्री उन्होंने वहाँ पे इसकी जनरल एंट्री कर दी थी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो अमाउंट देख लीजिए एक बार, 2,600 है, 8,000 है, और 14,000 है, और यहाँ पे 20,000 का है, और ये लॉस का भी इंट्रीज यहाँ पे हमने किया हुआ है। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, और जो कैश यहाँ पे 2,20,000 का दिखा रहा है वो भी यहाँ पे आया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे कैश दिखाया हुआ है, 2,20,000 का दिखाया हुआ है। ओके, और ये जो सारी चीज़ें इसकी जनरल एंट्री यहाँ पे पास कर दी हुई है। देखिए एक बार आप देख लेते हैं कि जनरल एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया हुआ है, कितना टोटल है उसका, 24,600 का, जिसमें क्या क्या है, आरडीडी हमारी आई थी 2,600 की आरडीडी आई थी, यहाँ पर स्टॉक आया था, हमारा स्टॉक आया था 8,000 का आया था, और यहाँ पर प्लांट मशीनरी आई थी हमारी 14,000 की आई हुई थी। ओके, और यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग को हमने डेबिट किया था और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था, कितना 20,000 का हमारा एसेट की वैल्यू
इंक्रीज हुई थी ओके okay? और जो लॉस आया था सुजाता और अपर्णा में जो उन्होंने ओल्ड रेशो में उनके इक्वल रेशो में बांट लिया था ओके okay? आई थिंक ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी कि ये तीनों एंट्री कहाँ से आई है। और ऊपर की जो एंट्रीज थी ये ऊपर की एंट्री ये तो उन्होंने गुडविल की प्रोसेस और कैश की प्रोसेस की जो है ये दो एंट्री थी ओके आई होप कि बहुत सिंपली एंट्रीज है बहुत ही ईजी वाली एंट्रीज है ओके आई होप ये आपको समझ में आया था। और ये हो जाने के बाद जनरल एंट्री पास हो गई हमारा रिवैल्यूएशन को हमने क्लोज कर दिया उसको जो लॉस आया था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी इंक्रीज एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई उसको भी ट्रांसफर कर दिया जो गुडविल आया गुडविल की एंट्री को भी हमने पास कर दिया और गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। इस तरीके से हमारे सारी एंट्री हो जाने के बाद और हमारा रिवैल्यूएशन क्लोज हो जाने के बाद जनरल एंट्री पास हो जाने के बाद हमारे पास जो न्यू बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जैसे कि कैश का आपको समझ में आया कि 220,000 कैसे आया यहाँ पे 220,000 कैसे आया कि हमारा ओल्ड जो था 80,000 कैश थी उसमें हमने 140,000 को प्लस किया और हमारी 220,000 की कैश बन गई। डेटर्स हमने देख लिए थे स्टॉक देख लिया था फर्नीचर बिल्डिंग्स ये प्लांट एंड मशीनरी ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी ओके। यहाँ पर क्रेडिटर हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में जैसे कि हमने दिया हुआ है वैसे कि वैसे यहाँ पर लिख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे बिल पेबल जो थी हमारी अमाउंट है बिल पेबल हमारी अमाउंट कितनी थी यहाँ पर 26,000 थी ओके। अब उसके बाद हमें सुजाता ओके यहाँ पे सुजाता जो और पूर्णिमा का जो ओल्ड कैपिटल यहाँ हमें दिया हुआ था कि हम देख लेते हैं कि सुजाता और पूर्णिमा का जो ओल्ड कैपिटल है वो कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सुजाता और पूर्णिमा का जो ओल्ड बैलेंस शीट में उन्होंने दिया हुआ उनका कैपिटल था मतलब आपके ध्यान में आ जाएगा कि उनका जो कैपिटल था वो कितना था। यहाँ पे उनका कैपिटल दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1,00,000 है और यहाँ पे पूर्णिमा का कितना है 140,000 है ओके। इसमें अब हमें क्या करना है कि जो 20,000 उन्होंने लाया था दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था मतलब जो गुडविल वगैरह जो आया था तो गुडविल उसको उन्होंने क्या करना इसमें ऐड हो जाएगा इसमें ऐड हो जाने के बाद ओके। तो सुजाता का जो अमाउंट है 1,20,000 हो जाएगा और इसका पूर्णिमा का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,60,000 हो जाएगा ओके। तो देन उसके बाद लॉस भी तो आया है ना तो लॉस को भी तो माइनस करेंगे तो हम वो 1,20,000 में से 1,20,000 में से उसे माइनस करेंगे लॉस को ओके। और इसका जो है 160 है 160 में से जो लॉस आया हुआ है तो वो लॉस को हमें क्या करना होगा दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से हमें उसको माइनस करना होगा तब जाके उनका जो जो क्लोजिंग कैपिटल बचेगा वो क्लोजिंग कैपिटल हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है देखिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है कितना बैलेंस कितना हुआ था उनका 120 हुआ था 120 में से जो लॉस आया है जैसे कि ये देखिए ये लॉस यहाँ पे दिखाया गया है ये लॉस कितना है उनका 2,300 इसमें से माइनस किया 120 में से माइनस किया 2,300 तो इसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएंगी 1,70,000 आ जाएंगी। और उसमें 160 थी 160 में से माइनस करेंगे ये वाली अमाउंट तो यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 1,57,700 आ जाएगा ओके। इस तरीके से उनका अमाउंट आ गया। और ये जो था अपर्णा ने तो नया उनका कैपिटल लाया था 1,00,000 का वो तो एज इट इज रह जाएगा ओके। तो इन तीनों की टोटल करने के बाद हमारा जो कुल कैपिटल बनता है 375,400 बनता है ओके। और इस हिसाब से ये लाइबिलिटी साइड भी है हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद हमें हमारा जो आखिरी स्टेप होता है आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं जो नया जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो नया बैलेंस शीट की हमें टैली करनी होती है। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा जो टोटल यहाँ पे आया हुआ है 4,35,400 आया हुआ है और यहाँ पर भी हमें जो दिया हुआ है 4,35,400 मतलब ये हमारी लास्ट स्टेप होती है जहाँ पर हमें टैली करनी होती है। और यदि हमारा सम हमारा इलस्ट्रेशन जो प्रॉब्लम टैली होता है तो देन हमें बहुत
खुशी होती है कि भाई हमने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और हमें पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।